वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप एंड्रेस्ट कंपनीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जामिनर को पेपर थोड़ा ट्रिकी निकालना है देन इन दैट केस एक्सपेक्ट दिस टू बी हिज क्वेश्चन है इजी बट uh, आपने अगर किया नहीं होगा तो वो ऑन द स्पॉट आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे प्लस अगर आप लोग ने एम देखा होगा ये बार का तो एम टी पी में एक uh, क्वेश्चन है फर्स्ट शिकागो मेथड के ऊपर सो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप डिस्ट्रेस्ट कंपनीज वाला थिंग सो so, चलो फटाफट इसको कर लेते हैं टुगेदर एंड ये थ्योरी भी अपना अच्छी तरह से हो जाएगा बाकी आपको और कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो वैसे मैराथन के लिए आप लोग एक्साइट हो जाइए बिकॉज वी आर समथिंग गुड फॉर ये जैसे जब वो आएगा तब वी लेट यू नो स्टे सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू लाइक ऑल द वीडियोज सो दैट थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक अच्छा अब मैंने क्या किया है वो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता देता हूँ And that is that मैंने एक नोट बना दिए हैं पे, so ये देखो आप को दिखेगा इधर वैल्यूएशन है पूरा का पूरा आपका module, आप समझ लो कवर ये मॉड्यूल में है ना ये लोग ने ऐसे दिया है देखो गोइंग फिर डिस्ट्रेस्ड फिर बीच में से कुछ मॉडिफाइड कैश टू एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू तो आप लोगों को ये सब चीज का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं ये मेरा जो नोट्स है बस इसको फॉलो करना है कहां से डाउनलोड करोगे नीचे कमेंट्स में टेलीग्राम लिंक है टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करो वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा एग्जाम के दिन पे खाली ये नोट्स रेफर करना है, क्या है? एक जगह पे आपको भी दे दिया फिर बाद में कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी लेक्चर के थ्रू काम हो गया कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड क्या हो गया डन सो दिस इज हाउ द लोगों को मिल जाएगा एंड ये पूरा का पूरा इसमें वैल्यूएशन मेथड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कंसल्टेंसी फर्म ईएसजी जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रेस्ड uh, इसमें इस आ गई ठीक तो uh, है मॉड्यूल यावर्ड सो ये जस्ट लेक्चर को दो तीन बार सुन लेना एग्जाम के पहले शॉर्ट लेक्चर रखेंगे विदिन वन आवर विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग एंड फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए चलो सो ऑन दैट नोट गाइज लेटस्ट स्टार्ट विद वैल्युएशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड देन फिर एक एक एक, -एक करके अपन कंप्लीट करते जाएंगे एंड टिक मारते जाएंगे सो दैट वी आर क्लियर बट ओवरऑल पिक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया टोटल वैल्यूएशन के पांच चीजें करनी है मेथड्स फॉर वैल्यूइंग स्टार्टअप्स वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स ईएसजी गोइंग नॉन गोइंग कंसर्न वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज एक एक को मैं टैकल करूंगा अभी इसके अंदर और पांचे पार्ट्स है तो वो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया से वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म जब आएगा तो वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या है

सो so, ये सारे जो अप्रोचेस है ना बहुत ही सिंपल है फटाफट -फड़ हो जाएंगे देखते रहना सबसे पहला है बर्कुस अप्रोच जिसको देव बर्कुस अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट ने बनाया सर हमको ये देव का नाम याद रखना है क्या नहीं इसका फॉर्मूला है कोई भी स्टार्टअप को वैल्यू करने के लिए देखो स्टेप बी कैसा है उसका सर स्टेप बी क्या है स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप इन द कोर मार्केट इसका मतलब सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर ओला है तो ओला का अपने जो वो ड्राइवर्स है उन लोगों के साथ कैसा है रिलेशनशिप या जोमेटो है तो जोमेटो का अपने डिलीवरी पार्टनर्स के साथ टेक्नोलॉजी uh, so, क्या आप easily, उबेर ये सब के से ऑर्डर uh, कर पा रहे हैं अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स है एमेजोन सो टेक्नोलॉजी कैसा है e अगर वो दिखाता है भाई, विल बी इन 15 क्या वो सची में फिफ्टीन मिनट्स में डिलीवर कर पाता है क्या

का आपके पास एक पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है देन इन दैट केस द वैल्यूएशन विल बी ऑन अ पॉजिटिव नोट सो बेसिकली इससे इस इस मेथड से वैल्यूएशन पर से ज्यादा आपको यह पता चलता है कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है चाहिए या नहीं अगर आपको ये स्टेप बी के आंसर्स में यस 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 मिलता है देन यू शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी एंड वैल्यूएशन के लिए प्रॉबेबली यू कैन यूज अ डिफरेंट अप्रोच सो आई होप क्लियर हो जाएगा बर्कुस अप्रोच जब भी नाम याद आएगा अगर थ्योरी में आया तीन चार मार्क के लिए स्टेप बी याद रखना है आपको स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप कोर मार्केट में टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन पी प्रोडक्शन एंड कॉन्सिक्वेंट सेल्स एंड द बेसिक वैल्यू आई होप वी आर क्लियर अब यही आपको अगर आपके मॉड्यूल में देखना है देन इन दैट केस आप आपका मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं या अगर आपके पास मैजिक बुक है तो मैजिक बुक ओपन कर लो वहां पे भी है so इसलिए नहीं यूज कर रहा करो बिकॉज से इट इज बिंग यूज बाय वाइडर ऑडियंस तो सब लोग ये फटाफट कनेक्ट कर पाओगे बर्कुस अप्रोच क्रिएटेड बाय देव बेसिक वैल्यू टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन स्टडीजिक रिलेशन प्रोच Production and Consequent Sales, ये ये पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है 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 इस पे करना आपके फिर आते हैं नेक्स्ट अप्रोच अगर आपको सेम एंटिटी बनानी है देखो क्या होता है पता है क्या जब आप कोई स्टार्टअप को खरीदने जा रहे हो तो एक ऑप्शन है कि आप खुद ही वैसी कोई एंटिटी बना दो ठीक है या फिर आप अगर खुद ना बना पाओ तो आप उसको क्या वैल्यू पे अक्वायर करोगे so, आप सोचते हो कि यार अगर मेरे को ये खुद एंटिटी बनानी है then in that case, ये एंटिटी बनाने के लिए क्या कॉस्ट जाएगा वो कॉस्ट मैं इंकर ना करके इस एंटिटी को दे देता हूं सिंपल है सो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट टू डुप्लीकेट मतलब कॉस्ट कितना इंकर होगा एक स्टार्टअप बनाने के लिए उसका डुप्लीकेट वैल्यू इस

अब उस कंपनी वो कंपनी यूट्यूब को अक्वायर किया आ, गूगल ने तो गूगल ने क्या वैल्यू पे acquire किया को 560 में किया जब उसके पास ट्वेंटी फोर यूजर्स थे रुपीज ट्वेंटी थ्री पर यूजर दिया यूट्यूब को गूगल ने आज और एक कंपनी है विच इज लाइक यूट्यूब से फॉर एग्जाम्पल ये है यू का vTube ठीक है इस कंपनी का नाम है vTube ट्यूब अब Google के जगह पर यहाँ पे फेसबुक बोल रही है हम वीट्यूब को खरीदना चाहते हैं अब फेसबुक अगर वी ट्यूब को खरीदेगी तो क्या प्राइस पे खरीदेगी सो इट विल परचेज वी ट्यूब एट टोटल यूजर्स है उसके वन पॉइंट सेवन फाइव क्रोर्स तो बोले कि भाई अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थ्री पर यूजर का रेट चल रहा है उस हिसाब से अराउंड फोर्टी क्रोर्स इज वॉट वी विल परचेज यू एट

फिर आता है स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड इफ आई वाज योर एग्जामिनर तो मैं ये स्कोर कार्ड वैल्यूएशन के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं इन और इसको चलो मैं अभी स्टार्टिंग में तो एक थियोरी क्वेश्चन ही पूछू फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और एग्जाम होते जाए मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना लू इसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग ने कुछ पैरामीटर्स दिए जैसे एम एन सी पॉस ये पैरामीटर्स को आपको रैंकिंग देनी है जैसे इस कंपनी का से फॉर एग्जांपल अपने को कोई कंपनी अक्वायर करना है अपन है वॉलमार्ट वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया तो जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया तो ऐसा सोचो कि वॉलमार्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि यार फ्लिपकार्ट का मार्केटिंग एंड सेल्स चैनल्स कैसा है मार्केटिंग मतलब वो बिग बिलियन डॉलर सेल कैसे मार्केटिंग कर रहा है सेल्स चैनल मतलब कितना इजिली उसके जो प्रोडक्ट है दे आर अवेलेबल एंड विजिबल ऑन द वेबसाइट एंड एप्लीकेशन सो पहला चीज और उसको जीरो टू टेन परसेंट का रेटिंग देना है अब अगर आपको लग रहा है यार वेरी नाइस ये तो एकदम मस्त है फ्लिपकार्ट का चलो उसको टेन का रेटिंग दे दिया वैसा फिर नीड फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या एक्सपेंशन के लिए और पैसा चाहिए मतलब कैश बर्न करेगा या या होने के बाद या, के बाद एक्विजिशन पहले ही सब इसने कर लिया है काम थर्ड कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट कैसा है सो so, फ्लिपकार्ट के सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन था एमेजोन स्नैपडील वो सब सो इन कंपेरिजन हाउ इज द कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट फोर्थ प्रोडक्ट और सर्विस में कितना दम है इज इट यूनिक हाउ वेल इट इज मार्केटेड हाउ वेल इट इज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी

देन अपन बोल सकते हैं स्कोर कार्ड वैल्यूएशन इज वेरी गुड वी कैन परचेज द कंपनी एट अ गुड प्राइस सो क्या है ये स्कोर कार्ड वैल्यूएशन में एम एम एन एन सी पॉस फॉर फॉर मार्केटिंग सेल्स चैनल नीड फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट सी कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट पी प्रोडक्ट और सर्विस ओ अदर्स साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टीम ये सबको मिला के बनता है स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड एंड द लास्ट इज सेकेंड लास्ट इज फर्स्ट शिकागो मेथड अच्छा तुम लोग को ये देखते रहना है साइड साइड पे तो तुम लोग अपना मॉड्यूल uh, भी ओपन कर सकते हो सो so, ये देखो इधर सेम टू सेम वाला एग्जांपल लिया है 560 करोड़ 24 करोड़ यूजर्स थे तो 23 पर यूजर दिया अपन लोग ने फिर 1.75 करोड़ के लिए मल्टीप्लाई बाय 23 किया तो 40 करोड़ आ गया सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अब आपको मॉड्यूल भी रिफर करने की जरूरत नहीं है ये नोट्स बस बराबर से डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से रख लेना सो दैट एग्जाम टाइम पे बस इसको फटाफट भी गो थ्रू किया और कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया यू विल बी एबल टू मैनेज इट यहाँ पे देखो एम एनसी पॉस वाली जो भी चीजें है और उसका क्या क्या परसेंटेज है वो अपन लोग ने लिख लिया अगर अच्छा है हंड्रेड परसेंट है देन इन दैट केस नथिंग लाइक इट दैट इज द बेस्ट थिंग दैट अ कंपनी कैन है

तो वो प्लीज देख लेना तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा विद सम फॉर नाउ अगर थियोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैं इतना ही बोलूंगा कि इन केस ऑफ शिकागो मेथड द स्टार्टअप इज वैल्यूड बेस्ड ऑन वेरियस बींग वर्स्ट केस नॉर्मल केस बेस्ट केस ऑल ऑफ दीज आर एवरेज बेस्ड ऑन दे आर ऑफ हैपनिंग स so तो case, case, uh, या आपको वर्ड याद रखना है एडवांस कैपिटल बजे और उसके बेसिसज आएगा उस प्रोबेबिलिटी uh, मल्टीप्लाई करके जो भी एवरेज आएगा उस दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ स्टार्टअप बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एम टीपी में आया है सो so, अगर एग्जामिनर स्मार्ट हुआ तो वो क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है वी शुड बी रेडी विद दैट सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एंड मार्केट अप्रोच है फर्स्ट शिकागो वर्स्ट केस नॉर्मल केस बेस्ट केस तीनों ले लिया आपने ऑल फैक्टर्स आर इवेल्युएटेड एंड मल्टीप्लाइड विद विद्रॉबिलिटी फैक्टर

वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म अब डिजिटल क्या होता है ये तो सबको पता ही है अपनी पूरी जिंदगी आज की तारीख में डिजिटल हो गई है कोई भी चीज अपनी डिजिटल के बिना चलती नहीं है मोबाइल पे है पूरा टाइम या मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप लैपटॉप नहीं है तो आईपैड आईपैड नहीं है तो नेटफ्लिक्स टीवी वी आर टोटली अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली सराउंडेड बाय तो अगर डिजिटली अपन इतना सराउंडेड है तो ये डिजिटल चीज को मैनेज करने के लिए उतनी कंपनीज भी आएगी बराबर है सो so, आओ देखते हैं वॉट ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट तो पहले तो समझना है वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाने के पहले समझना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है मार्केट प्लेस पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मार्केट प्लेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्च इंजिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रिपोजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पेमेंट्स प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं है है। अब खाली आप अब मैंने ये जो आपको समझाया ना उससे अब आपको क्लिक हो जाए अब आप खाली अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और वो टेबल देखोगे ना तो इतना शायद ध्यान में ना है, है इजी अपन तो दिन रात इसी से घिरे हुए सो वी नो ऑल ऑफ दिट इंटरप्रिटेशन बिकम सो इंपॉर्टेंट एंड सो नेसेसरी इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया हाँ, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है सो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे है, कुछ जो मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं जैसे अमेजॉन इंडिया मार्ट अगोड़ा राइट ये बुकिंग डॉट कॉम ये सब क्या करते हैं मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं मतलब मल्टीपल बायर्स मल्टीपल सेलर एमेजॉन सो मेनी प्रोडक्ट आर अवेलेबल मल्टीपल सेलर्स आर सेलिंग मल्टीपल बायर्स आर बाइंग द on ऑन डेली बेसिस मल्टीपल बायर्स एंड मल्टीपल sellers कनेक्ट इट इज कॉल्ड एज मार्केट प्लेस सर्च engine गूगल से अच्छा क्या है ऑप्शन थर्ड repository यूट्यूब इतना सारा डेटा वीडियोस सेव्ड है स्पॉटिफाई इतना सारा सॉन्ग पॉडकास्ट सेव्ड है रिपोजिटरी डिजिटल कम्युनिकेशन अपना व्हाट्सएप जिंदाबाद जूम टेलीग्राम ये सब क्या है इससे डिजिटल कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है अपना राइट सो इट हेल्प्स टू कनेक्ट मल्टीपल यूजर्स डिजिटल कम्युनिटी बन गया है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वी आर ऑल वन कम्युनिटी वैसे आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कैसा लगा ये बीच में अच्छा लगा ना वेरी गुड सी ए संकल्प कांस्टिया नाम से हैंडल है तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए सो so, अब बोल रहा हो ना अपना जिंदगी यही हो गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म सब जगह आपको यही दिखेगा जो भी बंदा यूट्यूब पे और कहीं पे भी है वो घूम फिर के अपना बीच बीच में ये डाल ही देगा चलो एनीवेज नेक्स्ट आपको भी चाहिए लोग आपको भी फॉलो करे गलत नहीं है उसमें हमको भी चाहिए, हमको भी भी कर लो आ आ जाता है 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 ये सब so, पहले समझते हैं क्या है? समझ लिया हाँ, हो सकता क्वेश्चन जाए what are various digital platforms? अब उनका कैसे करना है? तो पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या क्या है बोलो मार्केट प्लेस है सर सर्च इंजिन रिपोर्टिटरी अब सब पता है सेव होती है बट ऑनलाइन लेवल पे जब चीजें सेव होती है तो रिपोजिट सर्च इंजिन प्लेटफॉर्म अब इनके वैल्यूएशन पे आते है इनके वैल्यूएशन के लिए तीन चीज बताई इन्होंने एक बोला इनकम अप्रोच दूसरा बोला डिस्काउंटिंग रेट तीसरा बोला मार्केट अप्रोच इसमें बहुत ज्यादा ग्रेट चीजें है नहीं तो

का बेसिस क्या ना ड्राइवर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है इनके का क्या पे तो मैं देखूंगा, ना, कितने लोग आए और कितने लोगों ने खरीदा आपके प्लेटफॉर्म से पेमेंट कितने, कितने मर्चेंट्स अटैच है आपके साथ कम्युनिटी क्या आपके कम्युनिटी पे सब्सक्रिप्शन फीस रेगुलरली पब्लिक पे कर रहा है सर्च

फाइनली आ जाते हैं अपन लोग वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे तीन मेथड जिसमें बोले हैं उन्होंने वन इज द इनकम अप्रोच द अदर इज द डिस्काउंटिंग रेट एंड द थर्ड इज द मार्केट अप्रोच इनकम अप्रोच में भी दो पार्ट में डिवाइडेड है टॉप डाउन एंड बॉटम अप टॉप डाउन में आप लोग को दिख रहा होगा सैम सोम टैम अगर तुम लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हो देन इन दैट केस ये जो अपना अनुपम मित्तल है वो कई बार ये सब यूज करता है सबसे पहला है टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखो अगर मेरे को को किसी भी कंपनी वैल्यू करना है देन इन दैट केस अनुपम मित्तल इज देयर ही विल ऑलवेज आस्क दैट आपका टैम कितना है टैम मतलब आपका जो टोटल इंडस्ट्री है उसका साइज कितना है इसको है ना अपने कॉस्टिंग के लैंग्वेज में मार्केट साइज भी बोलते हैं फिर बाद में सैम उसमें से आप कितनों को सर्विस कर पाओगे उसमें से सॉम कितना आपके पास फाइनली कन्वर्ट होके आएगा समझ में आया लॉजिक सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी को कार सेल करना है तो टोटल इंडिया में कार्स का मार्केट कितना है भाई मैक्सिमम आप इतना ही प्रोडक्ट्स बेच पाओगे क्योंकि इतना ही मार्केट है समझ रहे सीए, सीए स्टूडेंट्स है तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना हो गया उसमें से एड्रेसेबल मार्केट उसमें से आपके पास से फिफ्टी परसेंट आपका लेक्चर देखेंगे उसमें से ट्वेंटी फाइव परसेंट आपके सॉम बन जाएंगे जिसको आप एक्चुअली मार्केट पे सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे सो टैम टोटल एड्रेसेबल मार्केट टोटल पोटेंशियल फॉर द प्लेटफॉर्म ऑन ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल

तो आप कितना सेल्स करोगे वो इनकम अप्रोच का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दूसरा बॉटम बॉटम अप किसके ऊपर फोकस करेगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सो so, यहां पे आप फोकस करते हो सेल्स के ऊपर एंड सीधी सी बात है अगर सेल्स अच्छा रहा तो ही प्रॉफिट अच्छा आएगा तो आप सेल्स के लिए पूछोगे आपको क्या पूछोगे आप कि भाई तुम्हारा टाइम कितना है तुम्हारा सैम कितना है एंड तुम्हारा सॉम कितना है क्लियर हो गया एंड देन फिर ऑब्वियसली टाइम सैम सॉम से आप कन्विंस हो एंड देन फिर अप पे आपको पता चलेगा भाई प्रॉफिट ओवरऑल आपको कितना हो रहा है राइट गाइज सो ये होता है इनकम अप्रोच इसको आप समझ गए फिर बाद में आता है डिस्काउंटिंग रेट अब इसमें फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है बस बोला है कि भाई आपको डिस्काउंटिंग रेट देना है बेस्ड ऑन हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट एंड देन कम्स द मार्केट अप्रोच मार्केट अप्रोच में आप देखते हो कि भाई कंपनी का पी रेशियो -E क्या है ईवी बाय एबिट्टा क्या है ईवी इज एंटरप्राइज वैल्यू एबिट्टा आप लोग ने सुना होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोटाइजेशन सो ये आपको उस कंपनी का देखना है एबिट्टा अगर पॉजिटिव है देन इन दैट केस इट इज अ वेरी गुड थिंग ओनली देन द कंपनी प्रॉबली हैज अ चांस ऑफ मेकिंग इट टू गुड प्रॉफिट सो इसके लिए सामने एंटरप्राइज वैल्यू कितना वो अपने आपको वैल्यू कर रहे हैं पी रेशियो कितना पी रेशियो मतलब फॉर एवरी अर्निंग हाउ मच द शेयर होल्डर्स आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा देन देर इज प्राइज टू बुक वैल्यू प्राइस टू सेल्स तो ये बेसिकली अप्रोचेज है सो so, आप देखेंगे इनकम अप्रोच डिस्काउंट रेट एंड मार्केट अप्रोच ये तीनों इज द वे यू आर गोइंग टू वैल्यू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ओके डन अब मार्केट अप्रोच में जैसा मैंने आपको बोला ये चार पांच चीज है लिखकर आनी है टॉप डाउन में टैम सैमसोंग बॉटम्स में प्रॉफिट के ऊपर फोकस डिस्काउंट रेट में इतना कुछ है नहीं तो आई डोंग टू आस्क हो गया अब चैलेंज कहाजिटल प्लेटफॉर्म का अगर मैं लेता हूं प्राइस टू बुक वैल्यू हो सकता है उनका बुक वैल्यू कम फॉर एग्जाम्पल अगर ये ओला और ये आ, तुम लोग ने सुना है वो ओला ओला उबर ओयो और ये जो Airbnb है ऑल ऑफ दीज अ लो बुक वैल्यू क्योंकि ओला के पास हजार कार्स और हजार ड्राइवर्स है लाखों कार्स और लाखों ड्राइवर्स है बट नन ऑफ दियर कार्स आर ओन्ड बाई देस तो इनके लिए उनके बुक्स में आपको कभी दिखेगा ही नहीं कि भाई इतनी सारी कार्स का वो ओनरशिप है तो इनका एसेट बहुत लाइट होता है फेसबुक के पास दस करोड़ सौ करोड़ यूजर्स है बट कभी भी आपको फेसबुक के यूजर्स के लिए कोई उन्होंने कोई जगह खरीदा ऐसा कुछ भी नहीं है खाली डेटा सेंटर है सारा डेटा सेव्ड है तो ये जो आजकल के नए स्टार्टअप्स है ना बेसिकली वो जो भी स्टार्टअप्स है दे आर नॉट एट ऑल वेरी एसेट करोड़ों घर है ऑल ओवर द वर्ल्ड बट नन ऑफ देम इज ओन बाय इसके लिए उनका जो कैपिटल वैल्यू है वो जो बुक वैल्यू है दे आर वेरी कैपिटल लाइट इसके लिए उस बेसिस पे बुक वैल्यू का वैल्यूएशन उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लो और नेगेटिव प्रॉफिट होता है अभी कितनी सारी कंपनीज है जिनका नेगेटिव प्रॉफिट है फिर भी हाई वैल्यूएशन मिल रहा है अभी बाइजूज का ये एग्जांपल ले लो है बाइजूस का कितना ह्यूज लॉसेस था फिर भी कंपनी को मिलता था वैल्यूएशन टू बिलियन डॉलर थ्री बिलियन डॉलर टेन बिलियन डॉलर सो दैट्स हाउ इट इज सो यहां पे इनका वैल्यूएशन कुछ अलग ही गेम पे चलता है सो प्रॉफिटेबिलिटी एबिटा है या फिर बुक वैल्यू है मे नॉट ऑलवेज बी वेरी वेरी अपीलिंग वैल्यूएशन so फिर बाद में आता है फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्राइवर्स ऑफ रेवेन्यू आर वही जो अपन लोग का ये बात हो चुका है कि मार्केट प्लेस पे कितना बुकिंग एमेजॉन है बुकिंग डॉट कॉम अगोडा पे पेमेंट में कितने लोग एक्टिव सब्सक्राइबर्स है जैसे पहले पेटीएम पे एक्टिव सब्सक्राइबर्स ज्यादा दे अभी फोन पे पे ज्यादा हो गए हैं मोबी क्विक करके है कम्युनिटी सब्सक्रिप्शन फीस कितना पे कर रहा है सर्च तो नंबर ऑफ यूजर्स जो सर्च कर रहे हैं वो कितने इंक्रीज हुए ऑल ऑफ दैट इज योर डिटरमाइनिंग फैक्टर तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन uh, के जो पुराने तरीके थे वो चेंज होकर नाउ दे आर कन्वर्टिंग इन टू द न्यू ड्राइवर्स विच आर अवेलेबल एज कैन बी सीन फिर नेक्स्ट इन लाइन इज वैल्युएशन ऑफ प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी फॉर्म आप और मैं क्या है चार्ट अकाउंटेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट्स लॉयर्स एडवोकेट टू अपन तो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फॉर्म है क्या प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फॉर्म्स का भी टेक ओवर होता है इज़ सो yes. yes, so, उसमें आप क्या कर सकते हो कंपेयर हिस्टोरिकल डेटा विद केपीआईस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहां से मिलेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑडिटेड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के थ्रू यूज इन्फो रिलेटेड टू नेट इनकम एंड कैश तो ये जो कंपनीज है इनका ऑडिटेड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट देख लो नेट इनकम एंड कैश फ्लोज देख लो हिस्टोरिकल डेटा देख लो एंड उस बेसिस पे आप इनको वैल्यू कर सकते हो कोई टेंशन का बात नहीं है इंपैक्ट ऑफ ई ऑन वैल्यूएशन अगर मैं आपका एग्जामिनर हूं मतलब एग्जाम सेटर देन इन दैट केस एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन ई अगर आपको फ्यूचर में करियर बनाना है बींग अ चार्ट अकाउंटेंट इन अ डिफरेंट फील्ड ई एस जी इज समथिंग विच इज द हॉटेस्ट फील्ड मतलब मैं आपको बता रहा हूं अगर आप सी ए बन के ई एस जी के फील्ड में जाओगे ना आपका वैल्यू पांच साल बाद बहुत ही अलग लेवल का होगा कभी इसके बारे में अगर और डिटेल में जानना हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना मैं आपको अच्छा खासा डिटेल दे दूंगा एंड ट्रस्ट मी दिस इज द फ्यूचर ऑफ यू कैन सी अकाउंटिंग या कहते एक नया चीज में अगर आपको अप्लाई करना है ना देन दिस इज वॉट इट इज चलो अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर एंड दैट इज वॉट दैट इज ई एस जी एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज वाटर वेस्ट ये सब चीजों को अभी कम करने का प्लान है बराबर है अगर आप लोग नोट करोगे तो कई सारी कंपनीज है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि भाई आप जितना हो सके इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करो इंडिया का गवर्नमेंट सोलर और रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर इतना ह्यूज लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रहा है आज की तारीख में कोई भी सोलर रिलेटेड इंडस्ट्री या कंपनी को देखो आप और फिर बाद में देखो कि सामने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट गया है उन सारी की सारी कंपनीज में मेंट इज द फोकस्ट दूसरा सोशल सोशल मतलब एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं अपन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मतलब इंडिया इज अ कंट्री विच इज विच एज द मोस्ट डाइवर्स कल्चर मतलब यहां पर आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट एवरीबडी इज ऑल टूगेदर तो कैसे यह डाइवर्सिटी में एक यूनिटी आ सकता है इंक्लूजन ठीक है इंक्लूजन मतलब सबको साथ में लेके चलना है कि कई बार आप लोग कोई होता है तो उसको बोलते हैं अरे नहीं यार मैं इसको नौकरी पे नहीं रखूंगा तो रेसिज्म right? uh, बहुत होता है ब्लैक और व्हाइट अगर तुम काले हो तो हम तुमको जॉब पे नहीं रखेंगे ठीक है ना इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सो <laughs> इंक्लूजन okay. so, मतलब ये अपन तो सब यार ऐसे ही सिमिलर कलर है ब्रिटिश कलर वाले ये लोग हैं अपन लोग तो, तो, इंडिया में ये रेसिज्म का इतना नहीं होता है बट रिलीजियस बिलीफ की वजह से कई बार होता है सो so, वो लोग वही बोल रहे हैं कि बॉस कंपनी को एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली होना है सोशली भी स्ट्रांग रहना है एंड गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए गवर्नेंस मतलब एथिकली डू बिजनेसिस आज इन्फोसिस विप्रो टाटा इनका इतना नाम क्यों है क्योंकि इन्होंने बिजनेस कायदे से कानून से एथिक्स से किया है ठीक है कोई तरह का टैक्स फ्रॉड एंटी करप्शन ऐसा कुछ भी नहीं है आपको पता है एक कंपनी है मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी के एक एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट को टेन लाख रुपीज का कुछ ब्राइब देने का कोशिश किया गवर्नमेंट ने उसको उस कंपनी को तीन साल के लिए बैन कर दिया एंड इट इज ए लिस्टेड कंपनी उस लिस्टेड कंपनी का शेयर प्राइस धड़ 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 तीन दिन में अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव परसेंट डाउन अब वो शेयर होल्डर का क्या गलती और किसको पता था ऐसा होने वाला है अब तक वो कंपनी सही चल रहा था गवर्नेंस इशू आया एंड नाउ द नाउपनी शेयर है कि गवर्नेंस भी अच्छा होना चाहिए तो अब इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन दो मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो लोग क्लाइमेट चेंज वॉटर वेस्ट ये सब के ऊपर फोकस्ड है एस सोशली दे आर गुड एम्प्लॉय डेवलपमेंट एम्प्लॉय Dev, डेवलपमेंट मतलब वर्क लाइफ बैलेंस है करियर के ऊपर एम्प्लॉय का, का खाली you know, अभी जो अपना uh, हुआ था केस अर्नस्ट एंड की एम्प्लॉय अकाउंटेंट एट द एज ऑफ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी स्ट्रेस अगर ई एस जी ब्रॉबर से फॉलो होता है ना कंपनी में प्रॉब्लम ऑफ दिस एट ऑल बताना चाह रहे हैं गवर्नेंस एंटी करप्शन होना चाहिए अपना पूरा कंपनी बोर्ड इंडिपेंडेंट होना चाहिए टैक्स फ्रॉड नहीं होना चाहिए ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ ई एस जी तो पहले ई एस जी वॉज गुड टू हैव नाव ई एस जी इज अ मस्ट है इंपैक्ट क्या है अपने बिजनेस का ई एस जी रिपोर्ट में आना चाहिए अपन सोशल बेटर लेबर कंडीशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो आना चाहिए एंड पेनल्टी फाइन लोग ने कुछ पे किया है नहीं किया है उसका एक रिपोर्ट आना चाहिए दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑफ देन सो ये ये भी अपना हो गया एंड एंड फिर आते हैं वैल्यूएशन गोइंग गोइंग कंसर्न कंसर्न नॉन तो बहुत सिंपल चीज है अगर गोइंग कंसर्न है तो आप देखोगे भाई फोर्सिबल फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है एंड उस फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे क्या इनटैजिबल एसेट है क्या फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है क्या गुडविल है उसके बेसिस पे आप वैल्यूएशन करोगे और अगर वो नॉन गोइंग कंसर्न हुआ देन इन दैट केस उसका वैल्यूएशन कैसे करना है बस अब अपन वो ही सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज सो अगर वो नॉन गोइंग कंसर्न हुआ तो डिस्पोजेबल ऑफ वैल्यू डिस्पोजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स नेट ऑफ लायबिलिटीज बैड रेप्यूटेशन अमंग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स Obviously, अगर आपका concern है 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 मतलब कंपनी शायद बंद हो सकता है, तो disposable value क्या है, asset का बैड रेपेशन uh, की वजह से जो उसका वैल्यू कम हुआ है सबको कंसिडर करके आप वैल्यू करोगे ऐसे डिस्ट्रेस्ट कंपनी right, तो अब अपन लोग आ रहे अपने लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर एंड दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज सो आर फोर इन वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज एंड मैं आपको बता दू जो अपन लोग ने स्टार्ट किया था उसके अपन लोग अभी आखिरी पड़ाव पर है यार आओ फटाफट टिक मार लेते हैं अपना जो जो भी चीजें हो गई है उसको यार सबसे पहले अपन लोग ने वो मेथड्स फॉर वैल्यूइंग स्टार्टअप किया था बरकूस अप्रोच और वो सब हो गया सर वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया अपना इनकम अप्रोच मार्केट अप्रोच वाला प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स कुछ खास था नहीं उसमें इंपैक्ट ऑफ ईएसजी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम मेरे हिसाब से आना चाहिए ये एग्जाम में ईएसजी एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस एंड देन फिर बाद में गोइंग नॉन गोइंग कंसर्न नॉट दैट ग्रेट एंड अब अपन लोग आ रहे हैं लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर व्हिच इज वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज ये अपना हो जाएगा तो समझ लो जो नया चीज जिससे आपको डर लगता है वो

अगर आप लोग ने एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग किया है तो याद है अपना, अपना लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कैसे फाइंड करते हैं कि भाई जो भी मेरे को एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है आई I मीन mean, जो भी कैश मुझे लग रहा है कि आने वाला है वो कैश फ्लोज मैं यहाँ पे ले लूंगा जितने भी ईयर्स के लिए आने वाला है इन टू वन माइनस प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये डिस्ट्रेस का प्रॉबिलिटी क्या है एंड वन माइनस प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस क्या है तो आइए लेट स्टार्ट अब से कोई भी कंपनी ले लो जैसे एक कंपनी थी लोकल बनिया डॉट कॉम अभी आ, फिर इट इट गॉट अक्वायर्ड आई थिंक बाय द टाटाज एंड देन फिर उन्होंने इसको बिग बास्केट में कन्वर्ट किया बट लोकल बनिया का क्या सीन था इट ऑल्सो वॉज अ वेरी गुड कंपनी एंड इट वॉज डूइंग गुड बट फिर बीच में थोड़ा डिस्ट्रेस आ गया अब कोई भी कंपनी का है ना दो स्टेज आता है डिस्ट्रेस हो रहा होता है तभी एक कि भाई वो सरवाइव कर जाएगा उसको बोलते हैं सर्वाइवल प्रॉबिलिटी ठीक है एंड दूसरा होता है डिस्ट्रेस प्रॉबिलिटी ठीक है अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दू, तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आप समझते हो अब अगर मैं पहले डिस्ट्रेस प्रोबेबिलिटी ले दू तो जो बच गया वो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस ये कंपनी में जाएगा उसका चांसेस है 60 परसेंट मतलब सरवाइव होने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ बेटा इसका सर 40 परसेंट ठीक है कैन आई राइट दिस सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी एज वन माइनस डिस्ट्रेस प्रोबेबिलिटी बोलो बोलो टेल टेल समझ रहे हैं आप लोग तो सरवाइव हो जाएगा उसका चांसेस कितना है फोर्टी परसेंट अब यहां पे उसको अप्लाई करो ये वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस मतलब सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी तो अगर मेरे पास सौ रुपए का कैश फ्यूचर में आने वाला है मैं सर्वाइव कर लूंगा उसका चांसेस है फोर्टी परसेंट मतलब मेरे को चालीस रुपए का कैश आ जाएगा जो भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है बस वही उसका वैल्यूएशन है बात खत्म इसको बोलते हैं मॉडिफाइड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन अब मैं इसको डिस्काउंट करूंगा बराबर अब डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए मेरे पास दो होता है एक होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पे मैं इक्विटी और डेट ये दोनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेता हूं तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है देखो कि इक्विटी का आप क्या कर सकते हो आप पहले पूरा अनलिवर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करो अनलिवर्ड का मतलब क्या होता है लिवर्ड मतलब लेवरेज मतलब डेट आप डेट को हटाई दो तो इक्विटी अगर है तो कितना डिस्काउंटिंग रेट आ रहा है जो डेट आपने लिया हुआ है उसको देखो भाई के क्या अगर आप उसको रीपे नहीं कर पाए देन इन दैट केस व्हाट इज द डिफॉल्ट दैट यू मे नीड टू फेस उसके एक कंबाइंड बेसिस पे आपको डिस्काउंटिंग रेट कैलकुलेट करना होता है अब ये डिस्काउंटिंग रेट कैलकुलेट करना इज नॉट विद इन आर पर सो इंस्टीट्यूट आपको अगर आया ऐसा कुछ क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट आपको उसका डिस्काउंटिंग रेट दे देगी आपको वो डिस्काउंटिंग रेट अप्लाई करना है एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज के ऊपर उसके बेसिस पे जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा that is modified discounted cash flow valuation for the distressed company क्या समझ में आया आपको वापस से बताता हूं ध्यान से सुनना एक distressed company होने वाली है जिसका नाम है लोकल बनिया हम लोग ने एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया और वो प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ होगा कि यार 60% चांस है कंपनी डिस्ट्रेस में जाने वाली है तो आपने बोला मतलब 40% चांस है सर्वाइवल का सर्वाइवल मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं उसको यस सर जितना कैश फ्लो समझो आने वाले तीन साल तक ये सर्वाइव कर लेगी तो आने वाले टाइम में कितना कैश आ सकता है मल्टीप्लाई बाय द माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ डिस्ट्रेस इज प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल तो उतना पैसा मेरे पास आ जाएगा उसको मैं डिस्काउंट कर लूंगा जैसे ही उसको डिस्काउंट कर लूंगा मुझे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा दैट प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस कंपनी एज पर मॉडिफाइड डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या आप लोग विजुअलाइज कर पाए मैंने जो जो भी आपको बताया तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई देखो तीन साल का से ईयर वन में कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है से हंड्रेड सेवेंटी एंड से फिफ्टी इन टू वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस मतलब कहना है say, say 50, uh, कितना फोर्टी परसेंट है ठीक है थीके? चलो हो सकता है सेकेंड ईयर में थर्टी परसेंट हो जाए हो सकता है ट्वेंटी परसेंट हो जाए तो ये हो जाएगा फोर्टी ये हो जाएगा ट्वेंटी वन ये हो जाएगा टेन अब इसको प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करके ले आओ प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू पे ले आओ आपको टोटल मिल जाएगा बस यही है एज पर द मॉडिफाइड डिस्काउंटेड कैश फ्लो समझ में आ गया आपको यस सर डन डना डन डन बस इतना आप आपको खाली ये नोट्स फॉलो करना एग्जाम के दिन पे दैट इट एल्स फिर बाद में आ जाता है डीसीएफ प्लस डिस्ट्रेस अब इसमें और एक कहानी में ट्विस्ट आएगा क्या कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो अपन लोग नॉर्मली करते हैं वो तो करना ही है बट उसके साथ डिस्ट्रेस का भी कॉम्बिनेशन यहां पे ऐड हो जाएगा तो इसमें सबसे पहला वर्ड देखो क्या यूज किया है डीसीएफ डीसीएफ मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपको ऐसा सोचना है कि एक नॉर्मल बिजनेस है नॉर्मल बिजनेस को अपन लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो से कैसे करते हैं देखो मैं ना आपको एक थंब रूल बताता हूं ठीक है मैंने ना जेपी मॉर्गन में चार चार साल पांच साल काम किया है और मैंने यही वैल्यूएशन का ही काम किया है वैल्यूएशन का एक थंब रूल है जो हमेशा कोई भी कंपनी को वैल्यूएशन करने के लिए यूज होता ही है वैल्यू ऑफ एनी कंपनी और वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज बराबर है अपन लोग यही सीखते आए हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर हो कोई भी चैप्टर हो बराबर है ना राइट वैल्यू ऑफ एनी कंपनी और वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज सिंपल है मैं किसी भी कंपनी को तभी खरीदूंगा जब मुझे फ्यूचर में से उस उस कंपनी में से कैश फ्लोज मिलने वाला है बराबर है उसको मैं डिस्काउंट करूंगा क्योंकि मेरे को तो पैसा उसको आज देना है हो गया बात यही है डीसीएफ राइट सो वैल्यू ऑफ बिजनेस अपने को ऐसा अज्यूम करना है दैट अगर वो गोइंग कंसर्न है तो उसका क्या फाइनेंशियल हेल्थ है अगर इफ इट इम्प्रूव एंड इट बिकम्स नॉर्मल तो डीसीएफ वैल्यू ऑफ इक्विटी राइट

सो डिस्ट्रेस सेल वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस कितना है 40%. और डिस्ट्रेस में गया तो कितना मिलेगा से करोड़ तो सो इन इन शॉर्ट शॉर्ट मेरे को अगर इसको वैल्यू करना है तो मैं बोलूंगा कि यार देखो फाइनेंशियल हेल्थ अगर इंप्रूव हो जाती है तो सौ करोड़ रुपया बट मिल सकता है बट ये होने का चांसेस ऐसे सिक्सटी परसेंट राइट सो सिक्सटी करोड़ ये प्लस अगर समझो डिस्ट्रेस में गई इट इट डजन वर्क आउट तो समझो डिस्ट्रेस में भी अपने को थर्टी सी मिल जाएगा एंड डिस्ट्रेस होने का चांसेस है सो सो से इन शॉर्ट चांसेसू टू सी आर के ऊपर इसको वैल्यू कर देंगे अज्यूमिंग दैट ये ऐसी कंपनी है विच कैन इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल हेल्थ वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न इफ इट्स फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव समझ रहे हैं आप लोग डनो वैल्यू ऑफ इक्विटी यूजिंग डीसीएफ प्लस डिस्ट्रेस मॉडल में पहले नॉर्मल इक्विटी वाला जो है उसको प्रॉबिलिटी ऑफ सॉरी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस से मल्टीप्लाई करना विच इज प्रोबिलिटी ऑफ सर्वाइवल प्लस डिस्ट्रेस सेल वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस से आप मल्टीप्लाई करेंगे

अनलेवर्ड फॉर्म वैल्यू प्लस अब ऐसा सोचो की डेट भी है क्योंकि डेट से आपको कुछ फायदा भी तो होता है सब क्या फायदा होता है टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कैपिटल बजेफिट मिलता है तो वो टैक्स बेनिफिट एड कर दो लेस अब ये डेट की वजह से मेरी कंपनी डूब सकती है आप लोग ने कंपनी का नाम सुना होगा पेंटेलून फ्यूचर ग्रुप बाय किशोर बियानी किशोर बियानीज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेट कैन रू इन अस कंपनी ए वन है कंपनी का बिजनेस मॉडल फंडामेंटल सुपर बट स्टिल कंपनी बंद हो गई डिस्ट्रेस में आ गई एफा क्या हो गया या एफा अ सिंपल रीजन दैट इट गॉट क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ हैवी डेट इतना ज्यादा वो लोग के पास डेट अज्यूम कर लिया वो लोग ने दैट दे वर नॉट एबल टू यू नो रिपेट फिर रिलायंस एंड अमेजोन के साथ कुछ मर्जर का प्लान हुआ उसमें भी कुछ इश्यूज हुए सो ऑन एंड सो फोर्थ

डेट को ले लो टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट लेस एक्सपेक्टेड बैंक अब आप बोलेंगे सर एक्सपेक्टेड बैंक क्या है तो उस वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं व्हाट वॉट इज एक्सपेक्टेड बैंक कॉस्ट तो उसका भी अपन लोग के पास है ये देखो सर सो एक्सपेक्टेड बैंक कॉस्ट मतलब

Cost. तो ये 18 CR से ये 5 CR का मेरा टैक्स बेनिफिट है तो टोटल फिफ्टी फाइव माइनस एटीन कितना होता है सो इट इज अप्रोक्सीमेटली थर्टी सेवन करोड़ ये हो गया उसका वैल्यू सर ये फॉर्मुला आपको याद रखना पड़ेगा जी हाँ यार एटलीस्ट एक दो फॉर्मुलाज याद रखना है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बट एटलीस्ट आप लोगों को इतना सारा जो पढ़ा था पढ़ना पढ़ सकता था आपके मॉड्यूल में मैजिक बुक में जहां पे भी अब यह सब पढ़ने की जरूरत नहीं अब आप पढ़ना है पढ़ लो अब एक बार आप गोत्र कर लो एंड यू विल रियलाइज दैट इज नोट्स में काफी हद तक सब कवर्ड है एटलीस्ट अपने को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम नाउ फॉर यू बराबर है अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना एंड डू लेट मी नो एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट फॉर यू एज एज पॉसिबल और क्या बता सकता हूं ठीक है है okay, सो so इसी के साथ डन होता है. वापस एक बार बता देता हूं एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल सो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल में फॉर्म वैल्यू इज अनलेवर्ड बीटा अनलेवर्ड फॉर्म वैल्यू भूल जाओ डेट है अनलेवर्ड फॉर्म वैल्यू प्लस अगर डेट है तो उसका टैक्स बेनिफिट ले लो अगर डेट है तो उसकी वजह से

कैन वी से दैट ये जो अपन लोग ने कुछ देर पहले जर्नी स्टार्ट करके कंप्लीट करने का प्लान किया था वी हैव फाइनली फाइनली टन टू शेयर इट विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जिसके लिए ये काम का हो सकता है एंड एज आई टोल्ड योर डू लाइक दीडियो लेट मी नो वॉट एज डू नीड एंड ऑल्सो अभी जो मेरे जितने भी रिविजन वीडियो है प्लीज एग्जाम टाइम पे उसको प्रॉपरली प्लान करके देखना इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू